या ओहो केज है इस तरफ जो है वो शेरों का केज है। ग्रिल यहाँ होती है, एक ग्रिल यहाँ होती है, एक ग्रिल वहाँ है और एक ग्रिल वहाँ है। इसके अलावा ये केज के अंदर भी है। तो इसको कहते हैं थ्री लेयर सिक्योरिटी। सामने कमरे बने होते हैं, इन्हें नाइट रूम्स कहा जाता है। आखिर ये नाइट रूम्स कैसे होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं, तो आज चलते हैं शेरों के पिंजरों के पीछे की दुनिया देखते हैं कि शेरों के पिंजरों के पीछे जो है वो किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाता है। ऊपर है। ओए भाई ये हाथ अंदर जाएगा बिल्कुल मेरा, देख ये देख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई आज तो बहुत गर्मी थी लेकिन अब मौसम बड़ा अच्छा है। और बख्श भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत है, ठीक ठाक? आपके लिए बड़े कमेंट्स आ रहे हैं भाई। भाई सब जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, इज्जत है भाई, ये मोहब्बत है लोगों की कमेंट्स कर रहे हैं। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि हम जो है ना आज शेरों की तरफ चलते हैं। ओ भाई ये तो कमेंट भी आ रहे थे, तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाला था। सर मैं भी यही कह रहा था, बस आपने मेरे भी मुंह की बात भाई। तो आप लोग के कमेंट आ रहे थे जिम्मी भाई लॉयंस का टूर कर रहे हैं, तो भाई आज इस व्लॉग में आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी बिग कैट्स हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैट्स मतलब लॉयंस टाइगर जितने भी है आज आपको हम विजिट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ये देखें हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर ये जो केजेस है ना ये है हमारी बिग कैट्स के। पहले आपको पिंजरा हम बाहर से दिखाएंगे फिर हम इसके नाइट रूम में भी आपको ले जाएंगे। क्या ख्याल है बाकी भाई? नहीं नहीं पहले बाहर से दिखा देते ना थोड़ा सा। थोड़ा तो हमारी जू के अंदर ये सेफ्टी रोप लगाई हुई है ताकि इससे नॉर्मल पब्लिक जो है वो आगे ना आए। तो ये देखें भाई मैं आपको नया इधर आज बड़े शेर आपको दिखाता हूँ। देखो तीनों को तीनों ब्लैक कलर के ब्लैक टाइगर है। ये तो भाई ये तो बिल्ली है यार। बिल्ली है हाँ। और ये देखें भाई ये आ गए। ये देखें सबसे पहला जो हमारा जो केज है वो है टाइगर का। और ये हमारे पास दो टाइगर है और ये दोनों टाइगर जो है ये देखें यहाँ पे आ गए। ये देखें ये है बंटी और वो है बबली। तो बंटी और बबली हमारे पास दो है टाइगर। ये देखें ये आ गया ये आ गया। ओहो हो भाई ओहो 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 क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? मामा ये क्यों गुस्सा हो रहा है? इसीलिए गुस्सा रहा है कि मामा को देखते ही वो बोलता है मेरे सामने ये क्या चीज आ रही है, तभी तो घुरा रहा है। बात तो सही है। मामा ये क्यों गुस्सा हो रहा है? वो वही बैठा हुआ था अच्छा खासा, मैं इधर लेकर आ गया। भाई ये बड़े गुस्सैल होते हैं और ये बात बात पे चिढ़ जाते हैं। और अभी जो है वो ये शाम के टाइम पे काफी पसंद करते हैं घूमना फिरना। हमने इनके पिंजरों के अंदर जो है ना ये तालाब भी बनाया हुआ है। ये देखें ये एक तालाब भी है जिसके अंदर इनके अंदर पानी होता है और ये जो है आराम से उसके अंदर नहा लेते हैं। अब ये जरा शॉर्ट देंगे, ये जरा शॉर्ट देंगे, ये देखें माशाल्लाह जी ये देखें इनकी ब्यूटी। और यहाँ पे भी आपको सही से नजर आ रहा होगा। दिलाओगे तो मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है फिर से गुस्सा दिलाओगे। ओए भाई माशाल्लाह जी। तो भाई ये देखें जी ये हमारे टाइगर का केज है और मेरे पीछे दो टाइगर है हमारे बंटी और बबली। तो ये इन दोनों की उम्र जो है वो है 5 साल। और अब बख्श भाई अच्छा एक सेकंड अंदर चलते हैं। पहले मैं चाह रहा हूँ कि बाहर से पहले सबको दिखा दें कि ये, और ये देखें अब इसके बिल्कुल टाइगर के बराबर में जो केज है वो है हमारी शेरनी का। और इस शेरनी का नाम है शनाया। तो शनाया वाइट लायनेस है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है दोस्तों। और ये देखें ये खुद हमारे पास आ जाती है और ऐसे प्यार करवाती है। तो बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेंडली एक लायनेस है। और शनाया जो है इसके हस्बैंड का नाम शेरू है, उससे भी आपको मिलवाएंगे। बाकी भाई ऐसा ना हो कि ये फ्रेंडली तो है, ये दांत देखें इसके यार, ये देखें ये फ्रेंडली तो है लेकिन देखें इन जानवरों के साथ है ना हमेशा रिस्क रहता है। इसको ना इसको दिल इसको ना यूं करते हैं ना इसको अच्छा लगता है। हाँ ऐसे ये देखें शनाया इसकी आँखें इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या बताऊँ, ये आँखें देखना इसकी आप। शनाया 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 यहाँ से नीचे से ये देखें इसकी आईज देखें यार, वो गाना नहीं है ब्लू आईज हिप्नोटाइज, उफ क्या आईज है इसकी, ये देखें बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारी। शनाया शनाया ओ ओ अऊ ये देखें बहुत ही प्यारी माशाल्लाह ये हमारी शेरनी। और इसने 2 दफ़ा ब्रीड भी की है। बाकी भाई क्या कहेंगे इसके बारे में? ये माशाल्लाह जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे पास पेड़ था ने 2 दफ़ा हमारे पास ब्रीड भी की है अल्हम्दुलिल्लाह।
और आगे इसका जो है हमने नर जो है शिफ्ट किया दूसरी जगह पे आ जाए जी। तो इसके बाद वाला जो केज है उसमें इसका मेल है जिसका नाम है शेरू। शेरू यहाँ पे बैठा हुआ भाई और ये है हमारा बब्बर शेर। बब्बर शेर ये देखिए हाँ ये इसको नाला ने मारा था ना, इसके ऊपर हमने व्लॉग बनाया था आपको याद होगा दोस्तों। इसके लिए हम अफ्रीकन लाइनस की लाइनस लाए थे, उसका नाम था नाला और वो इसको दी थी। उस बेचारी ने इसको जो है वो देखें बेगम बेगम होती है चाहे वो शेर की क्यों ना हो, तो चमाटे इसको भी पड़ी है और इसके मुंह के ऊपर निशान देखें आप। तो उसने जो अपनी बेगम से पिटाई खाई है, पहली दफ़ा जब इस केज के अंदर आया था तो उसने उसको जो है ना सही से पीटा था। उसके बाद जो है फिर हमने इसको थोड़े टाइम के लिए अलग किया था। ये देखें ये आज हम मामा को देख के ना हर कोई गुस्सा हो रहा है। तो भाई ये हमारा शेरू वो थी शनाया। उससे पहले आपने देखे दो बंगाल टाइगर जिसका नाम था बंटी और बबली, और अब आपको मिला रहे हैं हमारी एक और अफ्रीकन लायनेस से, वो ये सामने बैठी है इसी केज के अंदर और इसका नाम है नाला। नाला 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 और ये देखे नाला नाला ये अपना नाम भी पहचानती है दोस्तों। और फिलहाल जो है इस पिंजरे के अंदर जो है इसका राज चलता है। हर टेरिटरी के अंदर जो है ना वो शेर अपना दबदबा रखता है, लेकिन इस टेरिटरी के अंदर जो है वो शेरनी ने अपना दबदबा रखा हुआ है। तो ये नाला का इलाका है और अभी तक शेरू की इसके साथ सही से दोस्ती नहीं हो पाई है दोस्तों। शेरू हमारा बड़ा मासूम है, वो तो दोस्ती करना चाह रहा है, लेकिन नाला जो है उसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो ये बेचारा भाई परेशान ना हो, अगर मैं दूसरी ला दूँगा फीमेल, दूसरी ला दूँगा, टेंशन ना लो। हाँ गुड गुड। अच्छा जी तो देखें ये तो हो गए शेर के पिंजरे, लेकिन मैं आपको आज बल्कि बख्श भाई जो है, बख्श भाई क्या ख्याल है आज पिंजरों के पीछे वाले हिस्से में ले जाएं? बिल्कुल आज चलते हैं। तो आपने हर पिंजरे के अंदर देखा होगा शेरों के कि ये सामने कमरे बने होते हैं, इन्हें नाइट रूम्स कहा जाता है। आखिर ये नाइट रूम्स कैसे होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं? तो आज चलते हैं शेरों के पिंजरों के पीछे की दुनिया देखते हैं कि शेरों के पिंजरों के पीछे जो है वो किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक सेफ्टी गेट है, इसको ज़रा पार करते हैं और अंदर चलते हैं। तो ये हम जा रहे हैं नाइट रूम की तरफ और ये इस तरफ मेरे जो है वो टाइगरों का केज है, इस तरफ जो है वो शेरों का केज है। हाँ जी देखें यहाँ से भी पिंजरों का नज़र आ जाता है और ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये यहाँ पर आ गया है और यहाँ से पूरा पूरा आ गई है, सॉरी ये वाली फीमेल है, बबली आई है ये और बंटी वो खड़ा हुआ। बंटी आओ आओ बंटी आओ, आ रहा है बंटी भी आ रहा है। आओ बंटी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया भाई। ये देखें ये है बंटी और ये बंटी बबली हमारे, और इसकी आप हेल्थ चेक करें भाई, इसकी आप हेल्थ चेक करें और ये देखें आप इसकी बिल्ड चेक करें। माशाल्लाह ये जो है ये बहुत ही हेल्दी, ऑलमोस्ट ये 300 किलो के करीब करीब का तो होगा ये। और अभी हमारे ज़ू में बहुत ज़्यादा रश है जिसकी वजह से आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे तो उसकी वजह से कितना शोर हो रहा है। और लेकिन ये देखें अपना ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पेयर है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर इनके नाइट रूम की तरफ हम जा रहे हैं। सेफ्टी के लिए इंतजाम आप किए होगा ना, ये देखें आप ये इस गली में जैसे भी आएंगे इन पर होंगे तो इनकी बैक साइड पर ये हमने ग्रिल भी लगाई हुई है, इस तरफ अगर जाएंगे तो इसके लिए हमने अलग से गेट बनाया हुआ है ताकि जो है ना सिक्योरिटी का जो है ना इंतजाम अच्छे रहे। अगर भाई सेफ्टी के लिए ये जो है मेरे पीछे आप एक गेट देख रहे हैं, एक तो ये है नाइट रूम के अंदर भी, यानी ऑलरेडी एक ग्रिल यहाँ होती है, एक ग्रिल यहाँ होती है, एक ग्रिल वहाँ है और एक ग्रिल वहाँ है, इसके अलावा ये केज के अंदर भी है। अच्छा, तो इसको कहते हैं थ्री लेयर सिक्योरिटी जो कि यहाँ पे फॉलो की जाती है। अब ये नाइट रूम के बैक साइड वाला हिस्सा है तो इसके पीछे एक दरवाज़ा होता है, इसका इस्तेमाल जो है अब आपने देखा होगा कि जो उसके जो सामने की तरफ जो रूम होते हैं उसका जो गेट होता है वो ऐसे स्लाइड होकर खुलता है और बंद होता है, तो उसका जो हैंडल है ना वो यहाँ से ऑपरेट होता है, जब उसको घुमाते हैं डाउन करते हैं तो फिर ये होता है। और ये देखें यहाँ तक आ गई भाई, ये यहाँ तक आ गई भाई, दोनों आ गए भाई नाइट। अच्छा, ये इसीलिए होता है कि हमें एक्स्ट्रा में अगर इनको अर्जेंट में इनको अलहदा करना होता है तो एक को हम इसमें बंद करते हैं और उसके बाद फिर ये जो हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसके बाद ये वाला ग्रिल उसमें भी जाके दिखाते हैं, उस पर भी जाके दिखाते हैं। अच्छा जी तो ये देखें ये नाइट रूम होता है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, एक रूम होता है बस जिसके अंदर उसको प्राइवेसी दी जाती है, उसको सेफ फील कराया जाता है, अंदर पानी का ये बना हुआ होता है छोटी सी होजी जिसके ना पानी पी सके, और ये बहुत मजबूत ग्रिल का बनाना होता है क्योंकि ये टाइगर है, तो ये लेवर से जो है वो इसका जो गेट है जो अंदर वाला है वो उठता है और गिरता है। अब हम जा रहे हैं दूसरे केज की तरफ,
आपने कभी सोचा कि शेरों का इलाज कैसे किया जाता है? क्योंकि वो तो इंजेक्शन भी नहीं लगाने देंगे और अगर वो जंगली है तो वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करता। तो उन शेरों के लिए, उन टाइगरों के लिए पिंजरों के अंदर स्क्वीज केज बनाए जाते हैं। स्क्वीज केज एक ऐसा अंदर नाइट रूम होता है जिसके अंदर शेर को कंट्रोल किया जाता है, उस केज का साइज छोटा करके, और बाद में उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इन जानवरों के साथ हमेशा रेस रहता है, तो एज अ जूलॉजिस्ट, और खैर बख्श भाई तो हमारे आपको पता ही है कि यहाँ के करता धरता है, तो हमारी पूरी टीम को एक बात पता है और जितने हमारे ज़ूकीपर वो भी ट्रेंड है, कभी भी इनके साथ आपने रिस्क नहीं लेना है। अभी देखें एक छोटी सी गलती जो है ना आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। फॉर एग्जांपल ज़रा नीचे देखें मेरे शूज़, मैंने इससे कितना डिस्टेंस बनाया हुआ है, उसकी वजह है कि नीचे देख रहे हैं आप, ये जाली में से इतना गैप है कि अपना पंजा बाहर निकाल सकता है। अगर इसने अपना पंजा ये देखें देखा आपने, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये नॉर्मली ऐसा कर सकते। आगे की तरफ हम आ गए हैं और ये है, ये होता है स्क्वीज केज। करनी होती है ना, अगर इसको बंद करना होता है और इसको बंद करके ये डबल जाली है, फिर इसके आगे एक और जाली है। तो दोस्तों ये होता है स्क्वीज केज, और स्क्वीज केज का मतलब ये है कि इसको केज को हम साइज को छोटा कर सकते हैं, ऐसा ही बख्श भाई? बिल्कुल। और इसको ऐसा होता है कि पहले टाइगर को जो है वो या शेर को अंदर बुलाया जाता है, ये अंदर आ जाता है, इसके बाद हम अंदर घुसते हैं इस जाली को खोल के, और ये जो केज है इसको मैन्युअली जाम किया जाता है दीवार के साथ। जब ये जाम हो जाता है तो हमारे पास डिस्टेंस कम रह जाता है। इसके बाद टाइगर को, शेर को आराम से इंजेक्शन लगाया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये बहुत रिस्की काम होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो भी जानवरों में काम करते हैं तो काफ़ी जो है वो माहौल जो है हमेशा रिस्क से भरा हुआ रहता है, तो हमेशा ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो हम सब ने जो है जब भी कोई जानवर पाले तो उसके बारे में उसी तरह की सेफ्टी रखें। तो ये टाइगर अब देखें जैसे बाहर निकले तो हमने फौरन उसको लॉक किया है, तो आप ये सेफ्टी मेजर्स हमेशा करें। अब जा रहे हैं हम शेरों के नाइट रूम्स की तरफ। ये शनाया का नाइट रूम है, ये शनाया का नाइट रूम है, ये देखें शनाया रात को इसके ना सोती है। शनाया, शनाया, शनाया वो बैठी हुई है सामने, देखें इधर आ जाए, वो बैठी हुई है सामने शनाया। शनाया का नेट रूम जो ना स्क्वीज केज जो है ना वो ये है। अच्छा ये देखें ये स्क्वीज केज है शनाया का, इसके अंदर हम इसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। दूसरा इसको जब बच्चे देने होते हैं तब भी वो इधर ही आती है। शनाया को बच्चे देने होते हैं, जब जब इसने हमारी शेरनी ने बच्चे दिए वो इस कमरे के अंदर दिए, तो ये और ये अब आगे तीसरा ही है इस केज का, ये तीसरा नेट रूम है, इसके अंदर भी आते जाते रहते हैं और इसके अंदर भी सोते हैं। ये देखें अगेन हर नाइट रूम के जो है ना अलग अलग लीवर लगे हुए, और इसी से ये खुलते हैं और बंद होते हैं। और ये यहाँ से स्टेज का जो ना वो आराम से हम आते हैं, यहाँ पे अगर कोई मामला होते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है यहाँ से खड़े होकर उसको जो ना हम देखते हैं जी। तो ये जो बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे शेर को बुलाया जाता है और पूरा एग्जामिन किया जाता है। इसके अलावा इस अगर इस केज से हमें दूसरे केज के अंदर शेर को लेके जाना है तो जो है वो ये वाला जो आपको डोर नज़र आ रहा है इसको हम खोलते हैं और शेर को यहाँ से यहाँ पर लेके जाते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे केज की तरफ, ये उसका नाइट रूम है और ये है शेरू का। शेरू वो सामने बैठा हुआ है, वो देखें वो सामने बैठा हुआ है और इधर बिल्कुल भी नहीं आया। कैसे बैठा हुआ, गुस्से में बैठा, गुस्से में हो गए ना भाई, उस पिटाई हुई है उसकी यार। और ये है नाला का, अगर नाला ने बच्चे देने होंगे तो इधर ही आएगी, तो घास वगैरह भी इसीलिए रखी है कि वैसे नाला यहाँ आगे बैठी है। देखो अब यहाँ ओ भाग गई साला, लोग शेरों से डरते हैं भाई, शेर हमसे डरते हैं। भाई भी आ गए यार, और ये हमेशा सही टाइम पे ही पहुंचते हैं। अदिल भाई तो शेरों का हमने टूर तो कर लिया, अभी जो है वो हमारे गौसबख साहब, चाचा मैं नहीं खाऊंगा आप खाओ। किसके लिए ये? ये शेर के लिए। अच्छा शेर के लिए जो है ना, वैसे तो बहुत सारा गोश्त आता है, मजाक कर रहा हूँ, मैंने जरा से इसको ट्रीट देने के लिए बुलाया कि आपको थोड़ा करीब बुलवा के दिखाए कि ये जो है, चले अंदर चलते हैं। तो ये गोश्त आ गया है, मामा इसको जरा एक बोटी खिलाना यार, हाथ नहीं खिला देना। अब देखना जरा शेर जो है ये आएगा, ये देखें ये आया, ये देखें ओए होए भाई कैसा खाया, अब उसकी बारी है, वो क्या आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बबली, वो लड़ रहा है, वो बोटी लेके वहां चला। बबली भी आ रही है, देखें वो आ रही है, वो जल्दी जल्दी वो आ रहा है, वो देखें वो गोश्त खा के जल्दी जल्दी आ रहा है, ये देखें ये आ गया, ये आ गया, आ गया। चलो 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 चलो, ओहो ये देखें, ओ इसको भी खाने दे दे भाई, सारा यही खा जाएगा वो, देखें मजे की बात पता क्या, इतनी टेम है ये, अपना हाथ अभी अंदर डालेंगे नहीं खाएगी। हाँ भाई ऐसा ही है, देखो ये हाथ अंदर जा रहा है, बस बस चलो आ जाओ शेरू के पास चलते हैं।
इसके अंदर इनको जो इनके नाइट रूम में खाना दे दिया जाएगा। अब बारी है शनाया की, हम शनाया के पास आ गए हैं। शनाया ये देखे, ओह ये हाथ अंदर जाएगा बिल्कुल मेरा, देख ये देख, ओह जबरदस्त जबरदस्त। तो शनाया जो है माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। शनाया 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 को कुछ नहीं बोल रहे, मैं हाथ दे दूं, मैं हाथ चाट दूं। शनाया चाचा बोटी रखो, खाली हाथ डाल दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ शनाया, आ जाओ आ जाओ चाचा ने ये पैर पाला, आ जाओ शनाया शनाया। अबे ऊपर देख, ऊपर ऊपर देख चाचा, उसको देखो, उसको उसको साफ वाला गोश्त खाना है। चले जी आ जाओ बेबी, कम ओके यार, वेरी गुड। अब शेरू भी आ रहा है, वो देखें शेरू भी आ रहा है, और शेरू जो है वो हमारा बब्बर शेर, ये आ गया वेरी गुड। ये देखें तो भाई बब्बर शेर को खाना खिला रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्सपीरियंस है इतना करीब, और इसको ऐसा लगा इसका गोश्त मैं खा जाऊंगा, इसलिए जल्दी लिखा रहा है। नाला नहीं आएगी, नाला 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 पता नहीं आएगी नहीं आएगी। देखो आई आई, नाला भी आ रही है, नाला भी आ रही है। शेरू नहीं आने दे रहा इसको, शेरू नहीं आने दे रहा भाई। ओ नहीं नहीं शेरू नहीं, इनका फड्डा हो रहा है ना, फिर उन्हें इसको भगा दिया। नहीं हेलो हेलो, हाँ भाई क्या कह रहा है? मैंने कहा वुमेंस डे पे तो आ रहे थे, वुमेंस डे पे भी नहीं आने दे रहा है इसको यार। तो भाई ये भी पिटता है, वो भी मारती है इसको, देखो सही। क्या हुआ जो हमारे लिए शेर बेगम का देखो है तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, आपको कैसा लगा? आपने शेरों को फीड कराया, उनके नाइट रूम्स को देखा, और जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन हम दे सकेंगे आपको देंगे, एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज। एनर्जी मेरी आज काफ़ी लो थी, दो दिन से आप लो देख रहे होंगे, उसकी वजह है वेदर। सुबह से हम काम कर करके बड़े थक जाते हैं, लेकिन व्लॉग भी बनाना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।